सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए 34 में से 33 प्रोविंस तो पाकिस्तान की मदद से ही खासतौर पे तालिबान ने कब्जा किया। ISI और लगातार जो उनके टेररिस्ट ग्रुप थे वो लगातार ऑन ग्राउंड मदद कर रहे थे, लेकिन आखिरी जंग जो थी जिसको कह रहा था तालिबान कि हम लड़ेंगे हम जीतने की कोशिश करेंगे, वो भी पाकिस्तान की मदद से जीती गई। ये सबूत है कि ये जीत तालिबान की नहीं, ये पाकिस्तान की F-16 विमानों का इस्तेमाल किया गया। खासतौर पर ये कि पंजशीर के अंदर लगातार ड्रोन और खासतौर पर फाइटर एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला। बिल्कुल, और ये सपोर्ट ये भी दर्शाता है निशांत कि जब तालिबान घुटनों पर आ गया, पंजशीर की जंग नहीं जीत पाया। कई बार इस बात की ऐलान किया गया तालिबान की तरफ से कि हम घुस गए हम जीत गए, लेकिन पंजशीर की तरफ से लगातार रेजिडेंस फोर्स का उसको मुखालफत की गई। एक बार फिर पाकिस्तान को ही आकर लड़ना पड़ा। 2 दिन पहले 3 दिन पहले करीब ISI के चीफ वहां पर मौजूद थे, लगातार स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे, और अब पाकिस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल साफ तौर पर दिखा रहा है कि कैसे ये जंग पाकिस्तान ने लड़ी है। पाकिस्तान लगातार तालिबान को सपोर्ट करता है और ये भी दिखा रहा है कि अभी भी पंजशीर या फिर दूसरे प्रोविंसेस के अंदर खिलाफत इसी बात की हो रही है कि दूसरी कंट्री यानी पाकिस्तान अपने एजेंडास को एस्टेब्लिश कर रहा है, अपने एजेंडास को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहा है अफगानिस्तान की जमीन पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।